सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोग जो थंबनेल देखते हैं, थंबनेल में जो भी सारी चीज़ें लिखे हो बिल्कुल एक्चुअल है। बस चीज़ें क्या है कि आपको पूरी वीडियो देखनी है, सारी चीज़ें समझनी है, उसके बाद किसी तरह का कोई डिसीजन या किसी तरह के कोई कमेंट, आपका अगर कोई क्वेरी है तो आपको करनी है। अदरवाइज़ बिना पूरी वीडियो देखे आप कमेंट ना करें। लाइक अगर मैं कोई भी प्राइस आपका मेंशन करता हूँ, लाइक 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल एक्चुअल है। अगर आपके पास इतना है देन आपको ये मकान पूरा आप अपना ओन कर सकते हैं, 60 गज का, 50 गज का, या खुद से बड़ा अगर देखते हैं तो दूसरी वाली साइड पे, जी हाँ आप ये मकान ओन कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम अमित, आपके अपने YouTube चैनल माइनस स्ट्रीट पर आज वापस से हम लोग आए हैं भूमि निकेतन साइट पे। हमारी ये साइट, जी हाँ ये साइट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ तकरीबन अब से 3 से 4 महीने पहले के अराउंड में डाल चुका हूँ, लॉकडाउन से पहले। और इस सोसाइटी पे मैंने आपको जो बताया था इंडिपेंडेंट हाउस हम लोग सेम एज इट इज इस टाइप से ही बना के देते हैं, अभी आपको दिख भी रहा होगा, चेंजेस भी दिख जाएंगे। और पहले की जो वीडियो है मैं वो भी दिखाऊंगा कि पहले जब मैंने वीडियो डाली थी तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, जो भी डाली थी 2-3 महीने के पहले की जो मैंने वीडियो डाली थी, तब ये सोसाइटी कैसी थी और अब भी कैसी।
हैं सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी ये है भूमि निकेतन। भूमि निकेतन पे एक हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग प्लस प्लॉट, प्लॉटिंग सोसाइटी, ये हमारी पहला एक्सपेरिमेंट था जिसपे हम लोगों ने मिक्स दिया था। अदरवाइज अब से पहले हम लोग क्या करते थे, प्लॉटिंग सोसाइटी अलग होती थी, हाउसिंग सोसाइटी अलग होती थी। तो इसमें हम लोगों ने प्लॉटिंग प्लस हाउसिंग सोसाइटी दोनों ही रखी है। इस सोसाइटी के अंदर आपका मंदिर, पार्क वार्क सारी चीज़ें हम लोगों ने, सारी फैसिलिटीज हम लोगों ने प्रोवाइड की है। ये पहली ऐसी सोसाइटी थी जिसमें दो गेट थे, वन वे टू इन, वन वे टू आउट, यानी टू गेटेड सोसाइटी ये वाली सोसाइटी थी। अब इस सोसाइटी में आज मैं वापस इस पर आने का कारण था मेरे पास, इसमें एक्चुअली कुछ यूनिट्स अवेलेबल है जो कि ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ अवेलेबल है, जिसमें 60 गज और 50 गज। लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन वो अलग यूनिट्स थी, अब ये अलग यूनिट्स है। कुछ रीजंस थे लाइक बेचारे जिनके लिए बने थे वो कैंसिल हुए हैं या जो भी है, लॉकडाउन के भेंट जो चढ़े हैं, जो रिसेशन चल रहा है। अभी मेरे पास जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस सोसाइटी में, वो है 50 गज। ये 50 गज की मकान पे आपका जो है फ्रंट आएगा वो आपका 15 का फ्रंट है और 30 की गहराई है। ये आपका दो बेडरूम के साथ आता है और इसमें एक बीच में लॉबी है, एक बाथरूम है, एक किचन है, सारी चीज़ें आपका एज इट इज़। इसी सोसाइटी में अगर मैं आपको बात करता हूँ, इस सोसाइटी में मंदिर और पार्क वार्क की मैं बात करता हूँ, तो मेरे राइट हैंड साइड में जो ये प्लॉट खाली पड़ा है, इसके जस्ट पीछे की तरफ अगर आप देखते हैं, इस प्लॉट के जस्ट पीछे की तरफ जो प्लॉट है, वो वाला एरिया है, वो आपका मंदिर के लिए हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। और इसी दीवार की तरफ जो ये रास्ता जा रखा है, ये वाला जो रास्ता जाएगा ये पार्क में जा रहा है, 350 गज का पार्क है। एक्चुअली सोसाइटी ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, छोटी सोसाइटी है, तो पार्क भी उतना ही होना था, सीधी सी बात। अब ऐसा तो होना नहीं है कि जितनी बड़ी सोसाइटी उतना बड़ा पार्क, पार्क छोटा है, छोटी सोसाइटी छोटा पार्क है, बट फिर भी एटलीस्ट पार्क है, इतना है कि हाँ कोई ईजिली कोई भी फंक्शन 300-350 गज का है और उसके ऊपर आगे की तरफ से खुला भी है, तो आप इजीली कोई फंक्शन चाहे तो कुछ अपना छोटा मोटा कर सकते हैं। मंदिर भी है, अपना सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, 20 फीट के RCC रोड है आपका, प्रॉपर मतलब सारी चीज़ें आपका है गेटेड आपका। इधर बहुत सारी चीज़ें, तो धीरे धीरे लोग बाग आके शिफ्ट भी होने लगे, जैसे जैसे लोगों को पोजीशन मिलती जा रही है वैसे वैसे लोग बाग शिफ्ट होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, और हम लोगों ने सबका सेपरेट आपका पूरी लाइन दी है। इस वाली रेंज की अलग है, इस वाले ब्लॉक की और उस वाले ब्लॉक की लाइन अलग है। हम इस सोसाइटी की लोकेशन की बात करते हैं, तो सोसाइटी की लोकेशन कहाँ रहेगी, जो इसकी जो मेन कनेक्टिविटी रहेगी वो NS 91 से रहेगी, मेन GT रोड से। जी हाँ, इसका जो एंट्रेंस रहेगा वो हरिश्चंद बाग की लोकेशन पड़ती है, जो कि आपका छपरौला से जस्ट आगे और आपका आगे बिस्नोली से पहले पड़ती है। ये हरिश्चंद बाग काफ़ी बड़ी मार्केट पड़ती है, वो इसकी एंट्री वो वहाँ से रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका नोएडा एक्सटेंशन के काफ़ी क्लोज है। आप अगर बाइक है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट भी निकल सकते हैं, क्योंकि आगे से रास्ता बन रहा है जो कि 60 फीट चौड़ा टोटल एक बम्बा है, बम्बे के दोनों तरफ आपके रास्ते हैं, तो 60 फीट चौड़ा RCC रास्ता बन रहा है। उसके बाद में आपका 2-2 फीट की फुटपाथ और 2 फीट की आपकी ग्रीन बेल्ट एरिया जो बना रहा है। उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ, आगे मैं 60 गज की मैं बात करता हूँ, 50 गज के बाद में जो हमारे पास यूनिट अवेलेबल है वो 60-60 गज की है, जो कि मेरे पास में 3 यूनिट अवेलेबल है इस वाली सोसाइटी में। सबसे पहले जो सोसाइटी की मैं 60 गज की मैं बात कर लेता हूँ, वो सोसाइटी जो आपका है सोसाइटी में जो 60 गज की यूनिट है वो ये वाली मेरे जस्ट सामने जिसका नंबर है 20 नंबर है, 24 नंबर है और 3 नंबर है। ये तीनों सोसाइटी मेरे पास 60-60 गज की है, और इस तीनों सोसाइटी में आपका जो 60 गज का फ्रंट है वो आपका 18 का, सेम एज इट इज़ हमारी अदर सोसाइटीज़ पे जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सेम एज इट इज़ ऐसा ही है, और 18 का फ्रंट और 30 की गहराई है, जो कि वो भी आपका 2 BHK काइंड ऑफ है, लाइक आपका जिसमें एक बेडरूम फ्रंट की तरफ है, ड्राइंग रूम व्हाटएवर यू वांट से जो भी आप कहना चाहते हैं, उसके अलावा बीच में लॉबी है, देन उसके बाद में बेडरूम है। बेडरूम रूम का जो फ्रंट वाले रूम का जो साइज़ है वो आपका 10x10 का है, और बीच में लॉबी है, देन उसके बाद जो बेडरूम है वो 10x12 का है, जिसमें कॉमन कंबाइंड वॉशरूम है। सीट्स अप टू यू कि आपकी जो भी आपके डिमांड है, ऑन डिमांड लगती है सीट्स, लाइक आपको इंडियन चाहिए इंडियन, वेस्टर्न चाहिए वेस्टर्न, और उसके पीछे जिस आपके जस्ट है आपका जो है सॉफ्ट है। 60 गज की यूनिट है, मेरे पास में 3 अवेलेबल है, मैं बार बार बता रहा हूँ 3 अवेलेबल है। और सोसाइटी की बात करते हैं कि आसपास क्या है, सारी चीज़ें नियर बाय, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग 60 गज की जो 60 गज की यूनिट है जो हमारे पास अवेलेबल है, उसकी जस्ट छत पे रूफ पे आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मैं आपको दिखा दूँ 60 गज की छत है। 60 गज की छत में जो आपका फ्रंट रहेगा वो इतना तकरीबन इतना रहेगा, और अगर आप काउंट अप कर सकते हैं, मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ कंस्ट्रक्शन का क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन को लेकर, अगर हम लोग काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा माइंडेड होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो हम लोग काउंट अप करते हैं। ये 60 गज का सेम एज इट इज़ कंस्ट्रक्शन जो चला हुआ है, 60 गज का जो कंस्ट्रक्शन है सही, ये भी 18 का फ्रंट और 30 की गहराई है, जिसमें एक रूम ये सामने एक रूम ये हो गया, ठीक है। इसमें अगर आप नीचे की तरफ अगर कैमरा करते हैं तो नीचे की तरफ देखते हैं, तो एक पिलर जस्ट उसको आने पर एक पिलर उधर हो गया, एक पिलर ये, एक पिलर ये, और 3 पिलर फ्रंट की तरफ में,
तो यानी कि 60 गज की जो यूनिट है उसमें हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 7 पिलर यूज़ कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि 7 पिलर यू अगर 60 गज में यूज़ हो रहा है और 50 गज का जिसमें भाई छत, ये छत होगी 60 गज की और ये छत जो है मेरे जैसे सामने जो मैं 50 गज के मकान में दिखाया था अभी आपको, वो ये उसकी छत होगी है। इसमें भी अगर आप पिलर काउंट करते हैं तो 3-3, 50 गज में भी 7 है, 60 गज में भी 7 है। वैसे क्योंकि दोनों में 10 गज का ही फर्क है सिर्फ, जो भी मैं बात करता हूँ सोसाइटी के आसपास जो लोकेलिटी किस टाइप की है, लोकेलिटी में क्या है, आसपास क्या है, सारी चीज़ें। अब अगर मेरे सामने की तरफ आप अगर देख रहे हो, अगर कैमरा जूम करता है तो आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ काफ़ी बड़ा मंदिर है जिसको तालाब सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है। ये पूरा का पूरा प्रॉपर मठ है। तो ये सामने जो मंदिर, एक मंदिर ये हो गया, सोसाइटी में हम लोग खुद एक मंदिर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सामने की तरफ में जो मैं बता रहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले, जो रास्ता जा रहा है ये पार्क के लिए रास्ता जा रहा है, देन उसके बाद में जो सामने जो जगह छोड़ी हुई है वो मंदिर के लिए जगह छोड़ी हुई है। सोसाइटी में जो मंदिर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा आसपास पूरी प्रॉपर आबादी है। अगर आप इधर सारे में देखते हैं तो आसपास आबादी देखे, मतलब पॉपुलेशन देखे या फिर आसपास रहन सहन देखे, सारा देखे तो चारों तरफ देखेगा। मेरे राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो प्रॉपर इधर लोग रह रहे हैं, इधर सोसाइटी तो ही है। इधर की अगर पीछे मेरे इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर आप देखते हैं तो उधर देखिए आप कितना लोग हैं, पूरा प्रॉपर आसपास पूरी बसावट है। और अगर सामने की तरफ देखते हैं तो सामने की तरफ आपको भी काफ़ी लोग दिख जाएंगे। बीच बीच में थोड़ा सा एरिया खाली है क्योंकि अभी धीरे 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 सब बनेगा पूरा, जो कि नॉर्ड एक्सटेंशन से बिल्कुल सटा हुआ है। तो आपको भी आपके बजट में थोड़ा मकान वकान सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है लोन फैसिलिटीज़ भी लोन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हो रही है, जो कि आपका 80 से 90% बैंक लोन फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट NBFC सेम एज इट इज़ जो हमारी सभी सोसाइटीज़ पर होती है। लाइक अगर आपको सपोज़ कि आप 30,000 रुपये महीने का कमाते हैं, आपको जो मिल सकता है, जो उसको आप ओन कर सकते हैं, वो आपको 7 गज का मकान अपना बना सकते हैं अगर आप महीने के 30,000 रुपये कमाते हैं। सिर्फ कितना देखें, लगभग 1,95,000 रुपये देखें या फिर 1,90,000 रुपये, यानी अराउंड 2 लाख रुपये अगर आप देते हैं, आप 2 लाख रुपये आपके पास है तो आप 60 गज का ये मकान आपका हो सकता है पर मंथ की EMI पे। जी हाँ, पर मंथ। लेकिन आपको सिर्फ देना कितना है, सिर्फ देना है आपको 2 लाख रुपये, बाकी का क्वेश्चन नहीं है। बाकी मैं बात करता हूँ 50 गज के मकान की जो मेरे राइट हैंड साइड में, सेम इसमें भी इतने एज इट इज़ इतने 1.5 लाख रुपये के आसपास आपको है, 25,000 रुपये सैलरी है, 25,000 से ऊपर यानी 30,000 के आसपास अगर सैलरी आपकी है तो यू कैन ऑल्सो ऑन इट। आपको जो है जो ले सकते हैं 50 गज का मकान वो भी आप ले सकते हैं। आपके पास में जो फंडिंग होनी चाहिए वो 1.5 लाख रुपये से ऊपर होनी चाहिए, 1.5 लाख रुपये के आसपास चलती है। 60 गज के लिए 2 लाख रुपये और 50 गज के लिए 1.5 लाख रुपये। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी करनी हो, कुछ भी ऐसा इंक्वायरी करनी हो आपको, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। किसी तरह कोई भी डिटेल रिगार्डिंग टू लोन और रिगार्डिंग टू हाउस सोसाइटी और जो भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मैं बात करता हूँ 60 गज के मकान की, मैं बात करता हूँ 60 गज के 50 गज के मकान की जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट क्या पड़ेगी आपकी, वो कॉस्ट रहेगी आपकी 50 गज का जो कॉस्ट है वो मार्केट प्राइस जो है आपका 17.5 लाख रुपये, 60 गज का जो है 19 लाख रुपये हैं। दोनों के दोनों पे 80 से 90% बैंक लोन फैसिलिटीज़ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये मार्केट प्राइस है, ये नेगोशिएबल है, आप ऑन टेबल नेगोशिएट कर सकते हैं इसको। ऑन टेबल आपको जो भी आप नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि आपके ऑन डेस बेसिस होगा, जितना हम जा सकते हैं, जितना आप थोड़ा आप आएंगे थोड़ा हम जाएंगे, तो उसके हिसाब से जो टोटल होगा वो टोटल आपके जो भी आपके फेवरेबल होगा वो आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड होगा। और उसी के ऊपर ही आपका 80 से 90% बैंक लोन फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होंगी, जिसका ROI आपका 6.35 से लेकर 6.90 तक का ROI होगा। और ये ROI बता देता हूँ, लोन के रिगार्डिंग में कोई भी बात करता हूँ तो लोन के रिगार्डिंग में बात करता हूँ, तो लोन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में जॉब करने वाले लोग ही लोन ले सकते हैं या गवर्नमेंट है प्राइवेट है, ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर बाहर कहीं भी जॉब कर रहे हैं, बाहर कहीं लगे जस्ट गल्फ कंट्री में आप काम कर रहे हैं या फिर कहीं भी अगर अदर कंट्री में काम कर रहे हैं, तो आप भी लोन पा सकते हैं सिर्फ लोन के आप, और सेम ROI पे। ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएट करता भी है, डिपेंड्स ऑन कि आपकी प्रोफाइल क्या है उसके हिसाब से।